हमारा समारोह वंदी उजाड़ी जाए नीति ही आए मुक्ति है वंदामी है वंदामी। प्लीज अनम्यूट। इच्छा मी हमारा समारोह वंदी उजाड़ी जाए नीति ही आए मुक्ति है वंदामी। इच्छिका सूराय सुखत अपर शरीर निराबाद सुख संगम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी ताता छेजी दे गुरु प्रसाद। आज पानी का लाभ दे जो जी। इच्छा मी हमार समणो वंदी उजावणी जाय नीति ही आय नीति है वंदन। इच्छा कारण संधि तो भगवान अभूत लो मी अभ्यंतर राइयम खामे हु जम खामे मी राइयम जंकी ची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाए मी एव्यावत चिराला वे संदावे उच्चा सणे समा सणे अंतर भाषा है उगड़ी भाषा है जंकी ची मध्य विनय परिहिरम तुहुं वा वायरम वा तुभे जानम अहम न जानामि तस्य मिथ्यामि लोकम दारुला सदा मजाय जी ले गुरु साहब तादि तादि हमार समरो वंदी हो जावणी जाय नीति ही है फिर हम जानी इच्छा करे संदीप साहब भगवान मायना संदीप साहब तादि साहब इच्छा मी हमार समरो वंदी हो जावणी जाय नीति ही है फिर हम जानी इच्छा करे संदीप साहब भगवान मायना लेशु ले जो इच्छा मी हमार समरो वंदी उजावणी जाय नीति ही आय नीति है नाम इच्छारी भगवान पसाई करी मायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरि हंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोए सर्वसारं हे सुवंचर नमकारो सब पाव प्रणासन मंगलारं च सर्वेसिं परमं भवनि मंगलम् जय जगदीवजोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामहो वै जय सुयाण भवो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोकानं जय महापामः नमो गुरुवार राघवे वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधाना श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानते निरंधानं ज्ञानांजनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।
नवकार की साधना की बहुत क्लासें हो गई, करीब 1.5 बरस बीत रहा है और हम नवकार के साधना के एक एक अलग अलग प्रयोग करते 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 चल रहे हैं सर। आज हम चलेंगे, एक माध्यम लिया है हमने सम्मेत शिखर जी तीर्थ की भाव यात्रा के साथ नवकार की साधना। शायद आप लोगों में से कई लोग गए होंगे जीवन में यात्रा करते हुए निर्वाण स्थली की यात्रा, जो निर्वाण कल्याणक की आराधना है। तो जहां पर मैक्सिमम निर्वाण 20 तीर्थंकर भगवंतों का निर्वाण समय शिखर जी तीर्थ पर हुआ, बाबापुरी में 1 तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, चंपापुरी में 1 तीर्थंकर वासुपूज्य स्वामी का निर्वाण हुआ, गिरनार पर 1 तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का निर्वाण हुआ, अष्टापज्जी तीर्थ पर 1 तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का निर्वाण हुआ, शेष बचे हुए 20 तीर्थंकर भगवंतों का मोक्ष गमन निर्वाण सम्मेत शिखर जी तीर्थ पर। जो भी भाग्यशाली सम्मेत शिखर जी तीर्थ की यात्रा करके आए होंगे, जिन्होंने वहां पर चरण पादुका के स्पर्श किए होंगे, बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग। पालीतना शत्रुंजय गिरिराज पर अन्य अनेक आत्मा सिद्ध हुए, लेकिन तीर्थंकर भगवान कोई भी वहां से पालीतना से मोक्ष में नहीं गए। तो यहां पर आज हम इस निर्वाण स्थली समय शिखर जी तीर्थ की यात्रा कर भाव यात्रा कर और 20 तीर्थंकर भगवंतों के कल्याण, और वहां पर प्राचीन काल से छोटी छोटी देरियां बनी हुई, देरियों के लिए संस्कृत में शब्द है देवकुलिका, और बहुत प्राचीन काल से सिर्फ चरण पादुका का ही व्यवहार था, रिवाज था कि सिर्फ चरण पादुका की स्थापना करते थे। उस समय भगवान की मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी, मूर्तियां कम होती थी, बहुत कम, लेकिन चरण पादुका भगवान की बहुत ज्यादा है। परमात्मा के कल्याणकों के अंदर ये जो पांचवा कल्याणक है, जिसमें भगवान की परिपूर्णता हो जाती है और भगवान स्वयं देह छोड़कर सर्वथा कर्म छोड़कर जन्म मरण का चक्र छोड़कर सदा के लिए आत्मा मोक्ष में चली जाती है, वहां मोक्ष गमन निर्वाण हो जाता है। निर्वाण होने के बाद ही मोक्ष होगा। अब मोक्ष में आत्मा सर्वथा कर्म रहित हो जाता है। आप एक एक देरी यहाँ पर देख रहे हैं, आपको यहाँ एक तरफ जो है ये बड़ी टूट जो है वो चंद्र प्रभु भगवान के नाम की है, और उधर एक टूट आप देखेंगे ये पार्श्वनाथ भगवान के नाम की है। थोड़ा सा आप देखेंगे ख्याल आएगा, जो भगवान जहां से मोक्ष में गए हैं उनकी आत्मा ठीक वहां पर 90 डिग्री पर ही रहती है, ये नियम है। और मुख्य नियम से हमको ये ख्याल आएगा, मैं दोबारा बोलता हूँ, जिस स्थान पर भगवान ने देह छोड़ा है वहां से सीधे 90 डिग्री एंगल आपको लेना है। इधर 89 भी नहीं करेंगे, इधर 91 भी नहीं करेंगे, 90 डिग्री एंगल जो है, तो भगवान की आत्मा वहां ऊपर सिद्ध शिला में उसी स्थान पर है। हम क्यों जाते हैं? महावीर स्वामी की मूर्ति हमारे घर में भी है, पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति हम छोटी घर में भी रख लेते हैं, क्या जरूरत है वहां जाने की?
तो इसका नियम ये है, आधार ये है कि भगवान जो जहां से मोक्ष में गए हैं 390 डिग्री पर, उनकी आत्मा वहां पर है। तो ठीक वहां 90 डिग्री पर पहुंच करके हम परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वहां जाकर मेडिटेशन में बैठना, वहां जाकर के ध्यान लगाना, वहां उनका ही नाम स्मरण करते हुए ध्यान लगाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। डायरेक्ट यू कैन गेट द ग्रेस ऑफ गॉड। बोलो चंद्रेश भाई, नियम क्या बताया मैंने? 90 डिग्री पर परमात्मा नो आत्मा ऊपर जाए छे मोक्षे, એટલે ડાયરેક્ટ આપણને એના ઇફેક્ટ પડે। હંસા બેન બોલેંગે? હા ગુરુજી, વો ભગવાન જહાં સે મોક્ષ મે જાતે હે તો વહાં સે સીધા 90 ડિગ્રી કે ઉપર હી સીધે શિલા મે વો રહેતે હે, સ્થાપિત હોતે હે યા રહેતે હે? હા બોલો નસીલા બેન। जिस स्थान पर भगवान ने देह छोड़ा मोक्ष हुआ है, वहां से सीधा 90 डिग्री में उनकी आत्मा वहां पर है मोक्ष। ये नियम बरोबर ध्यान रखिए, जहां से देह छोड़ा है, जहां उनकी आत्मा ने शरीर छोड़कर कर्म छोड़कर आत्मा निकली है, तो 90 डिग्री पर सीधे उनकी आत्मा जो सिद्ध आत्मा मुक्त आत्मा वो वहीं पर स्थिर है। अब हम बरोबर उसी जगह जाकर के अगर मेडिटेशन करते हैं और ध्यान करके उन्हीं परमात्मा का स्मरण करते हैं और बरोबर आप ध्यान लगा करके 90 डिग्री में आते हो, तो जैसे आप सोचिए जहां बादल बरस रहा है उस बादल के नीचे, शॉवर के नीचे आप आएंगे तो पानी आपके ऊपर पड़ेगा, उस बादल के नीचे आप स्नान करेंगे। यहाँ पर सिद्ध भूमि भगवान की निर्वाण स्थली जो जहां पर है, अब वहां जाकर के स्पर्श करेंगे, वहां उनके चरण पादुका स्पर्श करेंगे, वहां ध्यान करेंगे, तो ठीक 90 डिग्री पर वहां उनकी सिद्ध आत्मा है। आपको स्मरण करना है, भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भगवान को तो केवल ज्ञान केवल दर्शन है, वो 14 राज लोक में समस्त अनंत जीवों को सबको देख रहे हैं। हमको तो केवल ज्ञान नहीं है, हम उस भूमि का स्पर्श करें, वहां पर जाकर के ही आप ध्यान करें यात्रा करें, ये नियम है। क्यों उसी जगह पर जो है चरण पादुका बनी? आप सोचिए चंद्र प्रभु भगवान को मोक्ष में गए, अरबों खरबों बरस बीत गए, अब एक सागरों पंप का इतना लंबा काल हम गिनने जावे तो हमारे पास तो कैलकुलेटर भी काम नहीं करेगा, कंप्यूटर भी काम नहीं करेगा और फिगर भी हम गिन नहीं पाएंगे। उनका तो बहुत बड़ा काम है। जैसे समय शिखर जी तीर्थ पर गए हैं, एक तरफ थोड़ी ऊंचाई पर जो है चंद्र प्रभु भगवान की टूंक है और बीच में सब 20 तीर्थंकरों के, और दूसरे किनारे पर लास्ट में वहां पर पार्श्वनाथ भगवान की टूंग। चंद्र प्रभु की टूंग से आप पार्श्वनाथ की टूंग तरफ जाएंगे तो करीब 6 किलोमीटर हो जाता है और बीच में सभी देवियां अलग अलग आती जाएगी। अब 20 तीर्थंकरों की है और दूसरों की भी देवियां तो है बनी हुई है, चरण पादुका है। फिर आप बीच में आएंगे नीचे तब जहां पर जल मंदिर है, और फिर तलेटी में आएंगे तब आपको वहां पर मधुबन के अंदर जो है मंदिर मिलेगा। फिर वहां तो रहना करना धर्मशाला यात्रिकों के लिए सारी व्यवस्था है। नहीं गए हो तो जब भी हिंदुस्तान में आओ तो अवश्य आप शिखर जी की यात्रा जरूर करना था। हिंदुस्तान के बिहार क्षेत्र में, और अभी तो ये जो है अपने क्या इसके क्षेत्र में आ गया है, खास करके झारखंड में आ गया। तो ये तीर्थ भूमि है। अब आज हमको तो यहाँ घर बैठे करना है,
अब जब जाओगे तब जाओगे, लेकिन यहाँ तो घर बैठे करना है। तो वहां का पूरा चित्र जो है, समय शिखर जी का पूरा फोटोग्राफ चित्र आपको ऐसा दिन दिखा रहे हैं, वहां की देरियां वगैरह आपको देखने में आ जाएगी। आप वहां पर थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, पहले दर्शन कर लो, देख लो, फिर आपको क्या लाए। होता है और बड़ा होता है। अभी और करूं? हाँ हाँ जी, ये जो आप देख रहे हैं एक एक टूक आपको इसमें देखना है, समय शिखर जी का ओरिजिनल फोटो है। अब वहां से आप देखेंगे थोड़े से जॉइंट करके अलग अलग जोड़े गए हैं। यहाँ की एक चंद्र प्रभु की टूक देखेंगे, इधर आप पार्श्वनाथ की टूक एकदम ऊपर देखेंगे, और फिर बीच में इधर जो है एक 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 भगवान की टूक है। हालांकि इसमें सब तो आपको कितनी दिखाई देगी, 20 तीर्थंकरों की मुख्य मुख्य ली है, बाकी बीच में दूसरी भी आती है, तीसरी भी आती है, लेकिन हमें 20 तीर्थंकरों के नाम से उनके निर्वाण की भूमि, निर्वाण स्थली। आपको नीचे ये देखिए समय शिखर जी का पूरा व्यू जो दिख रहा है, तो आप एक किनारे से इस किनारे से चलेंगे और इधर चंद्र प्रभु की टूंग से पार्श्वनाथ भगवान की टूंग तक आते आते पूरा पहाड़ करीब 6 किलोमीटर के ऊपर हो जाता है। जो गए हैं उनको अनुभव है, भूमिया जी के धर्मशाले मधुबन से चढ़ते हैं तब करीब करीब जो है 6 किलोमीटर तो चढ़ना हो जाएगा था। फिर ऊपर ऊपर इससे वेस्ट तक जाते जाते आपके 6 किलोमीटर हो जाएंगे, और फिर वापिस नीचे उतरने के 6 किलोमीटर हो जाएंगे। जो कभी नहीं चलते हैं उनको एक दिन में करीब 18 किलोमीटर जब चलना पड़ता है, लेकिन वो तीर्थ यात्रा के भाव परिणाम, और वो इतना आनंद जो रहता है, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन रात को आकर धर्मशाला में सोने के बाद जो है अब पैर दुखते हैं, अब तकलीफ थोड़ी सी आपको जरूर होती है, लेकिन फिर भी आज दिन तक लाखों लोग यात्रा कर रहे हैं, आज भी करने वाले कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक सब कर रहे हैं सर। और बड़ा सुहावना है तीर्थ। अब आपको भी शायद सुनकर कांति भी आश्चर्य लगेगा कि जैन धर्म के 70-80% तीर्थ सब पहाड़ों पर, हिंदू धर्म के 90% तीर्थ नदियों के किनारे पर हैं। वहां पर आप देखेंगे सब जगह पर वो ज्यादा ऊंचे पहाड़ों पर नहीं, वो नदियों के किनारे बनाते हैं। और जैनों ने अपने तीर्थ सब मैक्सिमम जो है 70-80% बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर है। अष्टापद जो है कैलाश पर्वत हिमालय के ऊपर है, जहाँ आदिनाथ भगवान मोक्ष में गए सर। गिरनार जी ऊंचे पहाड़ के ऊपर है, जहाँ नेमिनाथ भगवान मोक्ष में गए। अब पावापुरी जरूर है कि भगवान महावीर स्वामी कोई पहाड़ी पर नहीं गए, लेकिन धरती पर जहाँ निर्वाण हुआ तो अंतिम देशना देते देते उनका निर्वाण हुआ। चलिए हम यहाँ पर अपनी तरफ से इस तीर्थ की यात्रा को करेंगे। आपको सबको अपनी तरह से मालूम है, पूर्व क्रिया विधि आपको कर लेनी है, और फिर आपकी पूर्व क्रिया विधि होने के बाद आपको जो है जिस आसन में बैठना है आप बैठेंगे, सामायिक लेकर के बैठेंगे। सामने हमारा ये चित्र रहेगा, समय शिखर जी तीर्थ आपको दिखेगा, और ये चरण पादुका है। देखिए आप जहाँ जहाँ जिस जिस भगवान के चरण पादुका है उनके चरण कमल हमको दिख रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल हमारी दृष्टि हमें यहाँ पर स्थिर रखनी है, तो ये आप बरोबर ख्याल आ जाएगा
कि हम किस तरह से एक 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 भगवान के जो है चरण कमल का स्पर्श कर रहे हैं। मन हमारा बिल्कुल नवकार के साथ जुड़ जाएगा, दृष्टि सिर्फ समय शिखर जी तीर्थ पर रहेगी, दृष्टि सिर्फ आपकी जो है चरण कमल पर रहेगी और इधर उधर कहीं पर भी नहीं जाएगा, किधर भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। अब आप जो है अपनी तरह से आसन में स्थिर हो गए, सिर्फ आपको हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में बैठना है। आप नमस्कार कर रहे हो, शरीर को स्थिर कर दीजिए, हलन चलन बिल्कुल नहीं होगी, आप दृष्टि बरोबर इस पर स्थिर करके बैठेंगे। अब शर्त आपको बरोबर जो 1.5 साल से मैं बता रहा हूँ, एक ही शर्त है सबके लिए और सबको मालूम है, जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, उच्चार करना नहीं है, अंगुली पर गिनना नहीं है, मुंह खोलना नहीं है, ये शर्त हमारी बनी हुई है। ऐसा अगर आपने जीभ हिलाना शुरू कर दिया, आपने होठ हिलाकर बोलना शुरू कर दिया तो फिर मन भाग जाएगा। आंख बंद नहीं करना है, आंख समेत शिखर जी तीर्थ पर ही हमको स्थिर रखनी है और एक एक चरण पादुका पर स्थिर रखनी है। अब मैं आगे जो बोल रहा हूँ उसको आप बरोबर ध्यान से लेंगे। जैसे ही आपने समय शिखर जी तीर्थ पर अपना मन लगाया, यात्रा शुरू की था, सर्वप्रथम हम यहाँ पर पहली देरी पर आ रहे हैं अजितनाथ भगवान की। अजितनाथ भगवान का निर्माण यहाँ से ही हुआ है, शिखर जी से। अजितनाथ भगवान की चरण पादुका पर आप सामने खड़े रहिए, भगवान के चरण पादुका देखते हुए दर्शन करते हुए एक नवकार मन में चल, बिल्कुल जीभ नहीं हिलाएंगे, होंठ नहीं हिलाएंगे, एक नवकार मन में आपका चलता जाएगा, पूर्ण नव पद का पूरा नवकार। चलिए आगे बढ़िए, तीसरे संभवनाथ भगवान के चरण पादुका के पास आप आए हैं। इस देरी के अंदर संभवनाथ भगवान के चरण कमल है, नमस्कार करते हुए मन में एक नवकार चलने दीजिए। आगे बढ़िए, तीसरी देरी है अभिनंदन स्वामी जी की। चौथे भगवान अभिनंदन स्वामी की देरी के पास आए, वहां परमात्मा की चरण पादुका है। नतमस्तक होते हुए नमस्कार करते हुए मन में नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम पूरा नवकार चलाइए। आगे बढ़िए, चौथी देरी में सुमतिनाथ भगवान की चरण पादुका है। हम बरोबर सिर नम झुका कर नमस्कार करते हुए मन में नवकार गिनते जा रहे। आगे बढ़िए, पांचवी देरी पद्म प्रभु भगवान की आ रही। पद्म प्रभु भगवान के चरण पादुका पे पास नतमस्तक भाव से नमस्कार करते हुए मन में पूरा नवकार जपते रहिए। आगे छठी देरी जो है सुपार्श्वनाथ भगवान की आ रही। सुपार्श्वनाथ भगवान सातवें हैं, उनकी चरण पादुका को नतमस्तक होकर नमस्कार करते जाइए। दृष्टि सामने रखिए, खुली देखते रहिए, मन में पूरा नवकार जपते जाएं। आगे सातवीं देरी चंद्र प्रभु भगवान की बहुत ऊंचाई पर है। अब हम वहां पर जो है नतमस्तक होकर चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। चलते जाइए, मन में नवकार गिनते ही जाना है। मन में नवकार चल रहा है, जीभ हिलाएंगे नहीं, होंठ नहीं हिलाएंगे और दृष्टि यहाँ पर है, बरोबर देखते हुए चलिए था। आगे आठवीं देरी जो है वो सुविधिनाथ भगवान की है। सुविधिनाथ भगवान एक महीने का मास श्रमण करके एक अवसर में खड़े थे, उन्होंने निर्वाण पाया, मोक्ष में गए, उनके चरणों में नमस्कार करिए। अधिकांश तीर्थंकर भगवंतों ने
सबने लगभग लगभग एक एक महीने का मास का मन किया, कौशक किया, ध्यान में पड़े रहे, मन में नवकार जपते जाइए। आगे चलिए नौवीं देरी शीतलनाथ भगवान की आर। शीतलनाथ भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर नमस्कार करिए, मन में एक नवकार जपते रहिए, जपते रहिए। चलिए आगे दसवीं देरी आ रही है श्रेयांश नाथ भगवान की। खड़े खड़े कौशक करके, अनशन करके, एक महीने के तपस्या करके शरीर छोड़कर मोक्ष में गए हैं, हम उनके चरणों में नतमस्तक होकर नमस्कार करते हैं, एक नवकार पूरा मन में जपते जाए। आगे ग्यारहवीं देरी आ रही है विमलनाथ भगवान की आ रही है। विमलनाथ भगवान यहाँ से कौशक ध्यान में खड़े रह करके मोक्ष में गए, बहुत शांति पूर्वक उनके चरणों में नतमस्तक होकर नमस्कार करते हुए मन में एक नवकार गिनते हैं। चलिए आगे बढ़िए तेरहवीं देरी अभिनय अनंतनाथ भगवान की आ रही है। चौदहवें अनंतनाथ भगवान यहाँ पर मासक श्रवण करके कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े रहे और निर्वाण पाके मोक्ष में चले गए, उनके चरण कमल में नतमस्तक होकर नमस्कार करते हुए एक नवकार मन में गिनते जाए। आगे चलिए चलिए चौदहवीं देरी धर्मनाथ भगवान की आ रही है। पंद्रहवें धर्मनाथ भगवान यहाँ पर निर्वाण प्राप्त करके मोक्ष में गए हैं, हम उनके चरणों में नतमस्तक होकर नमस्कार कर रहे हैं, एक नवकार पूरा मन में गिनिए। दृष्टि भगवान के चरण पादुका पर स्थिर रखिए। चलिए आगे पंद्रहवीं देरी शांतिनाथ भगवान की आ रही है। हम शांतिनाथ भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर नमस्कार करते हैं। छह खंड का चक्रवर्ती का राज छोड़ करके जिन्होंने संयम लिया और 25,000 बरस तक जिन्होंने देशना दी, संयम पाला, भगवान अंत में यहीं पर अनशन करके मोक्ष में गए, नमस्कार करिए, एक नवकार मन में गिरी। आगे बढ़िए सोलहवीं देरी कुंथुनाथ भगवान की आ रही है। कुंथुनाथ परमात्मा यहीं से अंतिम निर्वाण पाकर मोक्ष में गए हैं, नतमस्तक होकर नमस्कार करिए, एक नवकार मन में जपते जाए। चलिए आगे सत्तरवीं देरी अरनाथ भगवान की आ रही। अरनाथ भगवान भी यहाँ पर आकर निर्वाण प्राप्त करके मोक्ष में गए, नमस्कार करिए, एक नवकार मन में पूरा गिरी। चलिए आगे अठारहवीं देरी जो है मल्लीनाथ भगवान की आ रही। इसी तीर्थ भूमि पर आकर मल्लीनाथ भगवान ने अपना देह त्याग किया, अनशन किया, कायोत्सर्ग ध्यान में शरीर छोड़कर सदा के लिए मोक्ष में चले गए, चरण कमल में नतमस्तक होकर नमस्कार करके मन में एक नवकार गिनते गए। आगे 19वीं देरी में मुनि सूरत स्वामी भगवान की देरी है, उनके चरण पादुका है, यहाँ पधारे भगवान, अनशन किया, निर्वाण पाए, कर्म क्षय करके सदा के लिए मोक्ष में चले गए, उनके चरण पादुका पर हम नतमस्तक होकर नमस्कार करते। आगे 20वीं देरी नमिनाथ भगवान की आ रही और नमिनाथ भगवान के चरण कमल में हम नतमस्तक होकर नमस्कार करते हैं, परमात्मा के चरण कमल में बिल्कुल दृश्य स्पष्ट देखिए, भगवान निर्वाण पाकर मोक्ष में जाते हुए देखिए और परमात्मा के चरण में आप नमस्कार करते हुए एक नवकार दीजिए। आगे बढ़िए अंतिम देरी बिल्कुल लास्ट उस तरफ जो है पार्श्वनाथ भगवान की देरी, जिसको पार्श्वनाथ के टूट कहते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के 33 साधुओं के साथ
खड़े खड़े कौशल में एक महीने तक अनशन किया, निर्वाण प्राप्त हुआ, मोक्ष में चले गए। श्रावण सुदी आठम के दिन परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होकर नमस्कार करिए। एक नवकार मन में गिनते जाइए। देखिए 20 तीर्थंकर भगवान हुए, 20 नवकार हुए, 20 चरण पादुका हुए, आपने नमस्कार किया। अब चलिए फिर से दूसरा राउंड। बहुत अच्छा है, मन में भाव बन रहे हैं, बिल्कुल इधर उधर का विचार नहीं आ रहा, एक भी फालतू विचार नहीं आया। दोबारा फिर से अजितनाथ भगवान के देरी पर आइए, फिर दर्शन करिए, फिर एक नवकार गिनिए, फिर संभवनाथ भगवान की देरी, फिर अभिनंदन स्वामी की देरी, फिर सुमतीनाथ भगवान की देरी। दूसरा राउंड पूरा करते करते आप 20वीं देरी पार्श्वनाथ भगवान की देरी तक आइए, नमस्कार करते। जैसे जैसे जो भाव आ रहे हैं आने दीजिए, लेकिन उसी भगवान के, उसी चरण पादुका, उसी शिखर जी तीर्थ के। अब विषयांतर नहीं होगा, विचार बदलेंगे नहीं, भाव बदलेंगे नहीं, वही भाव है। 20 नवकार गिनते हुए दूसरा राउंड आपने पूरा किया। चलिए फिर से तीसरा राउंड, फिर अजितनाथ भगवान की देरी से शुरुआत करिए, फिर मन में एक नवकार गिनेंगे, फिर संभवनाथ भगवान की, फिर एक नवकार, फिर अभिनंदन स्वामी की देरी के पास आए, फिर चरण पादुका को नमस्कार करते हुए फिर एक नवकार। चलिए आगे सुमतीनाथ भगवान, पद्म प्रभु भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान, अब आए चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में नमस्कार करके एक नवकार गिनते। आगे बढ़िए, करते जाइए, बरोबर आपको ख्याल आ गया है। अब सुविधिनाथ भगवान, शीतलनाथ भगवान, त्रयंसनाथ भगवान, करते 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 लास्ट में पार्श्वनाथ भगवान की देरी पर आ गए। आप भगवान को नमस्कार कर रहे हो, चरणों में नतमस्तक होकर के नवकार गिनते जा। ये तीसरे राउंड के 20 नवकार हो गए। चलिए फिर से चौथी बार, बड़े अच्छे भाव आ रहे हैं, बड़ा अच्छा परिणाम जो है मन के अंदर आ, और सामने समय शिखर जी तीर्थ भूमि के देख रहे हैं। एक एक भगवान जहां पर महीने महीने कौशल करके रहे, एक एक मासिक श्रवण भगवान जो है कौशल ध्यान में स्थिर रहे, खड़े खड़े कायोत्सर्ग में रहे, हम नतमस्तक होकर नमस्कार करते जा रहे। फिर चौथे राउंड में अजितनाथ भगवान से, संभवनाथ भगवान, अभिनंदन स्वामी, सुमतीनाथ भगवान, पद्म प्रभु भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान, चंद्र प्रभु भगवान के टुक पर आया, भगवान के चरण पादुका पर नतमस्तक होते हुए नमस्कार करते जाए। आगे बढ़िए, सुविधिनाथ भगवान, शीतलनाथ भगवान, त्रयंसनाथ भगवान, आते चलते 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 आगे बढ़ते जाइए। एक एक भगवान को देखने की कोशिश करिए, कैसे एक एक महीने तक खड़े खड़े कायोत्सर्ग ध्यान में रहे, कैसे अनशन करके चौबियारे पचकान करके और कौशल ध्यान में स्थिर खड़े रह करके अपने आत्म कर्म क्षय करके निर्वाण पाके मोक्ष में गए। लास्ट में पार्श्वनाथ भगवान बीच में खड़े हैं और उनके चारों तरफ 33 साधु खड़े हैं, कायोत्सर्ग ध्यान के अंदर निर्वाण पा करके मोक्ष में जा रहे हैं। चलिए एक बार और करिए, चौथा राउंड अभी पूरा हुआ है, चौथे राउंड के अंदर 20 नवकार हुए, लास्ट राउंड पांचवा राउंड, फिर से अजितनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार करिए, एक नवकार गिनिए, आगे बढ़िए, संभवनाथ भगवान, अभिनंदन स्वामी भगवान, सुमतीनाथ भगवान, आगे बढ़िए, पद्म प्रभु भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान, चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में एक नमस्कार करिए। बहुत बड़ा आनंद आ रहा है, एक एक भगवान को देखिए आप। हे प्रभु, आप कैसे कौशल में खड़े रहे एक महीने तक, चौबियारा अनशन करके चारों आहार पानी का त्याग करके आप कैसे ध्यान में खड़े हैं।
शत शत बार नमन हो प्रभु, आपके चरणों में नमस्कार। एक एक नमस्कार की आगे बढ़िए सुविधिनाथ भगवान के चरणों में, शीतलनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार करिए। एक एक नमस्कार के लिए आगे बढ़ते 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 लास्ट में आइए पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार। पांचवे राउंड में आपके 100 नवकार पूरे हो गए। अब हम नीचे उतर रहे हैं, मध्य में जहां जल मंदिर है वहां आ रहे हैं श्यामलिया पार्श्वनाथ भगवान, साथ में लाई हुई पूजा की साधन सामग्री लेकर अष्ट प्रकारी पूजा। सब भगवान के चरणों की तरफ ध्यान रखिए, हाथ में कलश लीजिए, मन में एक नवकार बोलिए और अभिषेक करते जाइए। 20 तीर्थंकर भगवंतों के चरण कमल में अभिषेक करना, एक नवकार 101वां नवकार मन में गिनते जाइए। चंदन पूजा करते हुए 102वां नवकार मन में गिनते जाइए। अब पुष्प अर्पण करना है परमात्मा के चरणों में, एक एक पुष्प अर्पण करते हुए 103वां नवकार गिनते परमात्मा के समक्ष दृष्टि समक्ष पूरा समय शिखर जी आपको दिखता है, संपूर्ण समय शिखर जी। धूप पूजा धूप घटा जैसे हम कर रहे हैं वैसे धूप पूजा करते हुए 104 नवकार गिने, 104 नवकार हो। दीपक पूजा करते हुए 105 नवकार गिने। 20 तीर्थंकर जो यहाँ से निर्वाण पाए सभी भगवान को मैं दीपक पूजा। अक्षत लेकर के हम चावल से पाटले पर साथिया बनाते हैं, 106वां नवकार गिनते हुए 20 तीर्थंकर भगवंतों की कृपा से मेरा संसार का जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। चलो हाथ में नैवेद्य लीजिए, मन में एक नवकार गिनिए और स्वस्तिक पर अर्पण करिए, 107वां नवकार। अंत में श्रीफल लीजिए हाथ में, श्री फल फल लेकर के मन में 108वां नवकार गिनिए, मेरा भी निर्वाण हो जाए, मेरा भी मोक्ष हो जाए, आज नहीं तो कल कभी ना कभी प्रभु मुझे आपकी पूजा से मोक्ष का फल मिले, मैं फल से फल की अपेक्षा करता हूँ। एक नवकार मन में गिन करके श्री फल अर्पण करिए, शांति से हाथ जोड़कर बैठिए, अब आंखें बंद करिए और कोशिश करिए पूरा समय शिखर दे तीर्थ आंखों के सामने दिखाई दे, पूरा समय शिखर दे तीर्थ आपको आंखों के सामने दिखाई दे। भाव पूजा से भाव यात्रा करते हुए एक एक देरी आप दृष्टि समक्ष लाइए, चरण कमल देखिए, चरण कमलों में नतमस्तक होकर नमस्कार कीजिए। अंत में 2 मौन हो जाइए, शांत हो जाइए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण करिए, मुझे कोई दूसरा विचार नहीं आया, बस बाजी जीत ली हमने, एक भी फालतू विचार नहीं आया। शिखर जी देखते रहे, 20 तीर्थंकरों के निर्वाण स्थली नजर समक्ष रही और 108 नवकार हो गए भावपूर्वक। आपकी 10 ज्यादा निद्रा हो, आपकी 20 ज्यादा निद्रा हो, एक भी फालतू विचार नहीं आया, एक सेकंड इधर उधर मन नहीं गया। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक के बाद एक परमात्मा के चरण पादुका के दर्शन हुए, हम पवित्र हो गए, धन्य हो गए। हे भगवंत, आपके चरणों में हमारा नमस्कार। शांति है, स्वस्थ है, स्वस्थता है। दूसरी माला मैं दूसरा प्रकार और दूसरी का सिखा दूंगा, इसी समय शिखर जी को फिर दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आज पहले एक ही सीखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे।
बरोबर शांति से एक धारा चलने दीजिए और उस धारा में आप बहते जाइए, बड़ा आनंद आएगा। यहाँ बैठे अब आप कोई कहाँ बैठे हो, कोई अटलांटा में हो, कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंडिया में, जो जहाँ हो वहाँ, लेकिन वहां से आप समय शिखर जी तीर्थ को देखते हुए भाव यात्रा करते करते हम हमारे मन में नवकार का स्मरण कर लें। बड़ी अच्छी साधना होती है, बड़ा आनंद आता है और दिल आनंद से भर जाता है कि मैं ऐसा छदमस्त होकर के मैंने दो घड़ी तक मन को दूसरे विचारों से रोका, एक भी फालतू विचार नहीं आने दिया और बरोबर जो है समय शिखर जी की तीर्थ यात्रा हो। अपने आप को धन्यवाद दीजिए, खुद के मन को भी धन्यवाद दे, वाह भाई वाह बहुत अच्छा किया, मेरे को इतना सहयोग तो किया, आत्मा की कर्म निग्रह करने में इतना तो साथ दिया। अब आप अपना ध्यान पूरा कर सकते हो, आंखें खोल सकते हो, देख सकते हो, दूसरी मामा करो, आनंद आता है तो जरूर करिए, ये आनंद ही काम का है, कोई फालतू विचार नहीं आएंगे। समय मत देखो, समय की चिंता मत करो, शरीर की चिंता मत करो, निश्चिंत होकर बैठिए, भाव यात्रा होती रहे, भाव यात्रा चलती रहे और हम तल्लीन हो जाए इसमें, बिल्कुल लीन हो जाए और हमारी साधना बड़ी आनंददायी बन जाए। धर्मला बोलिए साहब, अब किसको पूछना है तो पूछ लीजिए, जानना है तो पूछिए, बरोबर क्लियर मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। साहब दिगंबरो पण ત્યાં ગળી આવી જના માને છે, આપણે દિગંબર પણ માને છે, दिगंबर भी वही मानते हैं, 20 तीर्थंकरों का निर्माण वहीं पर हुआ है, वही मानते हैं। जो बोलिए आप इस विषय में बोलिए, किसी को पूछना है जी, आपके पादुकाएं जो दिखाई ना उसमें 6-6 की सीक्वेंस है, 24 तो 5 ही गिनने, 20 ही गिनने हैं अपने। या 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 वो मैंने देखा, आप करके आपको थोड़ा सुधार के भेजेंगे। अच्छा, जानना पड़ेगा वो। और तो सब कुछ बहुत बढ़िया, हम तो माता जी के लेके वहां दर्शन किए हैं, फुल यात्रा किए, सभी को ये मैं कहूंगा कि सभी करे यात्रा वहां पर, बहुत बढ़िया जगह है। गुरुदेव मुझे ये पूछना है कि जब एक एक चरण पादुका पे अपना ध्यान रहता है तो जैसे पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करते करते 20 तक अपने को पहुंच जाना है, तो एक बार करने के बाद क्या हर बार नवकार मंत्र गिन लिया उसके बाद मस्तक झुकाया फिर दूसरी पे दृष्टि लगानी है? कोई दृष्टि और जगह ले जाएंगे? नहीं नहीं, कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि अपने आप, मतलब लाइन से ही अपने आप दृष्टि जाती जाएगी, यानी कहने का ये मतलब है, तो कैसे कैसे करना चाहिए कि बस एक से दूसरे पे लाइन से देखते चले जाना है? जैसे पहले की है वैसे ही, आप कितना भी बोलोगे तो भी कुछ भी नहीं बदलेगा, तरीका वही रहेगा। ठीक है गुरुदेव, लेकिन महाराज साहब ये तो सोचना ही पड़ेगा कि जब पहले पादुका पे करो तो आप अजितनाथ स्वामी भगवान की याद रखो, अजितनाथ संभवनाथ अभिनंदन स्वामी, पर ये मतलब कैसा है, वो याद तो सीक्वेंस तो याद रखनी पड़ेगी ना गुरुदेव? मैं ज्यादा उत्तर नहीं दे सकूंगा आपको। ठीक है गुरुदेव, ठीक है, मैं पहले प्रयत्न करूंगी फिर पूछूंगी। सब प्रयत्न ही करना पड़ेगा। त्रण वार मारी शेखर जी ने यात्रा थी छे, आजे तमे जे भाव यात्रा करावी ए पूरा दृश्य नजर नी सामे पूरा आवी गया अने खूबज खूब सारू लाग्यु छे आजे के शिखरजी पाछो एमने एम देखाई रह्यो छे मने, अने पाछला वखते जे तमे करावी होतो एना आ बनावीने
કાર્ડ બનાવી કરીને એના ઉપર સાધના કરી સેમજી ખૂબ જ સારી રીતે સાધના થાય છે એના પર. બહુ સરસ, ધન્યવાદ તમને, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. વાવ, દેખો આ બરોબર કાર્ડ દેખા રહે છે, બહુત અચ્છા હે, બહુત અચ્છી તરફ સે. हाँ साहब, और किसी को है कोई प्रश्न पूछना है या किसी को भी क्वेश्चन है प्लीज? ओके, नंदिनी बेन, टाइम और नहीं लगा अभी, नंदिनी बेन. हाँ नंदिनी बेन, आप पूछ सकते हो. नंदिनी बेन अहियाँ नहीं आवतो. आवे छे, आवे छे, हमने आवे छे. क्वेश्चन पूछो. ओके, नरेंद्र भाई आप पूछ सकते हो. पथेन्द्र गुरुदेव जी, ये जो पादुका है, ये कृत्रिम पादुका है ना? मथेन्द्र वंदा में ये पादुका कृत्रिम पदिक पादुका है? पादुका पादुका भाई साहब ने अकृत्रिम है, कृत्रिम है? मथेन्द्र वंदा में साहब जी. બેન તમે હમણાં સ્ટોપ કરો, બીજા ભાઈ પૂછે છે, નરેન્દ્ર ભાઈ પૂછે છે. અને એમને યુટ્યુબ ચાલુ છે તમારે, એટલે તમને એ થાય છે, યુટ્યુબ બંધ કરી દો તમારું. હા નરેન્દ્ર ભાઈ આપ બોલો. પથેર મંદા બાવજી, હા વો ચરણ પાદુકા છે? હા, એ કૃત્રિમ હે અકૃત્રિમ હે? કૃત્રિમ હે મતલબ ક્યા હુઆ? નહીં મતલબ જો જિતને ભી જો તીર્થંકર ભગવાન થે ઉનકા તો મતલબ ઇતને ધનુષ પડે થે, उनके पादुका भी तो बहुत बड़े थे ना. वो तो संभव ही नहीं ना, ये तो बाद में बनी हुई. उसके बाद जब आदमी के जीर्णोद्धार होता गया, जब लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, तो कहां से लाएंगे भाई साहब? पर जगह वही है, अरबों खरबों बरस बीत गए, चंद्र जगह वही है. अजीतनाथ भगवान उनको अरबों खरबों बरस बीत गए, हजारों बार जीर्णोद्धार होता गया, और फिर बाद में दूसरी दूसरी पादुका लाते गए, बैठाते गए. जगह वही है, जगह वही है. साहेब जी माथे वंदामी, હવે છે ને મારો પ્રશ્ન નથી, પણ હું આપને જરા એક વિગત કહેવા માંગુ છું. આપે જે 6 કિલોમીટર કીધું ને, તો કિલોમીટર નહીં પણ 6 માઇલ ચડવાનું, 6 માઇલ આડું બધે જવાનું અને 6 માઇલ નીચે ઉતરવાનું, એટલે કુલ 18 માઇલ થાય અને 27 જેટલા કિલોમીટર થાય. મિચ્છામી દુકડમ ના ના, આ તો જાણ માટે સાહેબજી, મિચ્છામી દુકડમ કહેવા માટે નથી કહેતી, પણ આપણે બધા બીજી વાર ફરી બોલશો તો હું બીજી વાર મિચ્છામી દુકડમ માંગીશ, તમે વધારે બોલશો મને ખબર છે. શ્વેતાબેન અનમ્યુટ કરવું પડશે. ભરત સાહેબજી, મને જાવજીની જુગાર, નોનવેજ, દારૂ અને એની જાવજીના પચકાણ આપો. આજીવન ધારણા વિગ્રહ પચકાય અનંતના મગ્નમ સહસાગરણમ મહત્તરાગરણમ સવસ્મય અત્યાગરણમ. બહુ સરે, બહુત બહુત ધન્યવાદ ભક્ત, ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. ઓકે સાહેબ જી, આઈ થિંક નો વન હેઝ એની મોર ક્વેશ્ચન્સ, ક્લિયર હે? એન્ડ વો જો સુધાર કે જો 20 કરની હે, વો સુધાર કે વી વિલ સેન્ડ, જો પાદુકા કા 20 કા કરના હે, વો સુધાર કે હમ લોગ શેર કર લેંગે. જી સાહેબ જી, ઓર કલ હમારી ક્લાસ રહેગી આહાર ઓર આરોગ્ય કી એટ ધ સેમ ટાઈમ, સો પ્લીઝ એવરીવન જોઈન કીજિયેગા with notebook and pen. And then afterwards, Saturday and Sunday, Saturday Gandharwad ki bhi 7 to 8 p.m. class rehti hai, aur uske baad 8 to 9 p.m. Saturday and Sunday Granthi Ved ki class rehti hai, so wo bhi aap please join kare with your notebook and pen. Aur sabhi aapke parivar aur friend circle ko join karwaiye, join karwana, Mara sahab ka laabh lijiye. गुरुदेव मुझे एक बात और बतानी है कि जब सन 61-62 में सम्मेत शिखर का जीर्णोद्धार हुआ था, नवलखा जी ने और सिंघवी जी
के साथ तब मेरे दादा ससुर जी उस कमेटी में लीडर थे उस वक्त, और आज भी हमारे घर का भाता घर चलता है समेत शिखर जी में, सुंदरलाल जी शाह के नाम से, रायचंद जी सुंदरलाल जी शाह हमारा घर में चलता है, और रायचंद जी गुलाब जी शाह के नाम से, और मेरे दादा ससुर जी की वहाँ मूर्ति भी स्थापित की हुई है समेत शिखर में। बहुत अच्छा, बहुत अनुभूत। नमो वज्रायणं नमो सर्वसाधनं एष पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां भवहि मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभो मंगलम सोलिभद्रद्यार्जयनधर्मोस्तु मंगलम चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धर्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो दम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं भवज्यामि अरिहन्ते शरणं भवज्यामि सिद्धे शरणं भवज्यामि साहु शरणं भवज्यामि केवली पन्नतं दम्मं शरणं भवज्यामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मानां जयनं जयति शान्तं धर्मलाभ। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं वंदना शुभ साता पूछते हैं। जय हो जय हो साय धर्मलाभ। सभी को प्रणाम। प्रणाम सभी को।